हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे जानने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 2021 में नासा के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो शायद इस रहस्य को क्लियर कर पाए। UTC यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से 9:34 पर केप कार्निवल SLC-41 से 12 साल के लिए निकल पड़ा लूसी स्पेसक्राफ्ट। अपने 12 साल के मिशन में लूसी 3 बार पृथ्वी के ऑर्बिट में आएगा ग्रेविटी असिस्ट के लिए। इससे स्पेसक्राफ्ट को पाथ चेंज करने में और स्पीड बढ़ाने में मदद मिलता है। तो लूसी अपने मिशन के दौरान 2022, 2024 और 2031 को पृथ्वी के नजदीक आएगा। असल में जुपिटर के ऑर्बिटल पाथ में जुपिटर के आगे और पीछे दो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के झुंड हैं। आगे वाले ग्रुप को ग्रीप कैंप और पीछे वाले ग्रुप को ट्रोजन कैंप बोलते हैं। लूसी अपने मिशन के दौरान 8 एस्टेरॉइड्स का फ्लाई बाई करेगा। उनमें से एक एस्टेरॉइड मेन एस्टेरॉइड बेल्ट पर है और बाकी 7 ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं। ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स L4 एवं L5 पॉइंट पर है। एक्चुअली सौरमंडल में हजारों के संख्या में एस्टेरॉइड्स हैं। सौरमंडल के क्रिएशन के समय से ही कुछ टुकड़े सौरमंडल में घूम रहे हैं। अगर इनका सही से निरीक्षण किया जाए तो प्लैनेट्स के बारे में भी आइडिया मिल सकता है। मगर इस मिशन को लूसी क्यों रखा गया? इथियोपिया में सैकड़ों टुकड़ों वाले मानव फॉसिल मिला था, इसे लूसी फॉसिल नाम दिया गया। लूसी फॉसिल को एग्जामिन करके इसका एज 3.2 मिलियन मिला, मतलब प्राचीन मानव का रहस्य लूसी फॉसिल में मिल गया था। तो वैज्ञानिक इस चांस को नहीं छोड़ पाए। उन्होंने भी पृथ्वी और प्लैनेट्स के क्रिएशन के इतिहास जानने के लिए उनका नाम भी लूसी रख दिया। लूसी स्पेसक्राफ्ट अपने फ्लाईबाई में L4 ट्रोजन क्लाउड यानी लैग्रेंज पॉइंट 4 के पास 3548 यूरीबेट्स और इसका सैटेलाइट क्वेटा, 15094 पॉलीमेल, 11351 ल्यूकस और 21900 ऑरुस पर जाएगा एवं L5 पॉइंट पर बाइनरी ट्रोजन 617 पेट्रोक्लस और इसका सैटेलाइट मोनेटियस को एग्जामिन करेगा। ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट एक या फिर 2000 माइल्स दूरी से ही स्पेस ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस लेते हैं, लेकिन तुलनात्मक कम स्पीड वाला लूसी हर एस्टेरॉइड्स के 600 माइल दूरी से ही इमेजेस कैप्चर करेगा। मतलब जितने भी पिक्चर्स लूसी भेजेगा वो बहुत ही स्पष्ट होगा। महाकाश में भेजने के दौरान लूसी के साथ कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए। LRALP जो कि एक पैंक्रोमेटिक कलर विजिबल इमेजर एवं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैपर है। इससे ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के सतह में मौजूद सिलिकेट, बर्फ और ऑर्गेनिक्स के बारे में पता चलेगा। LLORI यानी हाई रेजोल्यूशन विजिबल इमेजर है जिससे ट्रोजन के डिटेल इमेजेस मिलेंगे। लूसी में LTES नाम से थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगे होंगे जो सरफेस में मौजूद भिन्न प्रकार के मटेरियल्स का कंपोजिशन और अन्य वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाएगा। लूसी अपने फ्लाईबाई में जितने डेटा कलेक्ट करेगा वो स्पेसक्राफ्ट में लगे रेडियो टेलीकम्युनिकेशंस हार्डवेयर और हाई गेन एंटीना से पृथ्वी पर भेजेगा और सिग्नल्स को रिसीव करेगा नासा के डीप स्पेस नेटवर्क। इस डीप स्पेस नेटवर्क को कंट्रोल करता है नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। यह स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च डेट लिखा हुआ सोने का प्लेक लगाया गया है क्योंकि लूसी को अर्थ में वापस नहीं लाया जाएगा। तो सोलर सिस्टम में फ्यूचर को अगर कोई इस स्पेसक्राफ्ट को देख पाए तो भविष्य के मिशन में बहुत ही फायदेमंद और यादगार रहेगा। भविष्य में लूसी को सोलर सिस्टम में ही किसी ऑर्बिट पर स्टेबल मोड पर रख दिया जाएगा और अगर मिशन को फ्यूचर में एक्सटेंड किया जाए या फिर साथ में लगे 24 फीट वाला सोलर एरे से स्पेसक्राफ्ट में ऊर्जा आते रहे तो डेटा ज्यादा दिन तक मिलता रहेगा। दोस्तों, हमारे अतीत को जाने बिना हमारा अस्तित्व धुंधला रहता है। लूसी मिशन से ये अंधेरा भी हट जाएगा। धन्यवाद।